सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, साथियों समय कम है और हमको फिर आपसे मेरठ भी निकलना है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा। गंभीर हो जाइए, आप एक मंत्र में कह रहा हूं, सब लोग बाहर से अंदर आ जाइए। पहले तो साथियों मैं अपना विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। उठो बड़ो वीर जवानों, बाबा ने पुकारा है, आजादी अभी मिली नहीं है, आजादी को पाना है। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। साथियों 74 वर्ष देश की आजादी को हो गए हैं और आज जो लोग आपको कहते हैं आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, ना तो आप अभी आजाद हैं और ना आप स्वतंत्र हैं। जो आप आजाद और स्वतंत्र होते तो आज आपकी स्थिति यह नहीं होती। साथियों बहुजन समाज बटालियन की स्थापना क्यों की गई, इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, इसका जवाब स्वयं मैं आपको दूंगा। बहुजन समाज बटालियन की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि 74 वर्ष देश को आजाद होने के बाद देश के अंदर लोकतंत्र चल रहा है, संविधान हमारे बाप का है, उसके बाद भी हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। क्यों क्यों छीने जा रहे हैं, जवाब है किसी साथी के पास? जवाब है नहीं है, क्योंकि 74 वर्षों के अंदर अभी तक आपने सिर्फ वोट दिया है और नोट दिया है, पूछने वाले अभी आप नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि बाबा साहब का जब परिनिर्माण दिवस था, जब वो हमको छोड़ के जा रहे थे, वो सीधे शब्दों में क्या कह गए थे कि मेरा समाज आज भी गुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वो सही बात है। साथियों बहुजन समाज बटालियन की स्थापना क्यों की गई? साथियों बाबा साहब चाहते थे खासकर दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली डबल वोट का अधिकार दिलाना, जिससे दलित समाज एक आजाद समाज हो, जिससे वो अपने हक और अधिकार प्राप्त कर सके। आप पृथक निर्वाचन के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? आवाज नहीं है आपके साथियों, आवाज नहीं है पीछे किसी के? पृथक निर्वाचन के बारे में जानते हो आप? नहीं नहीं, हाँ या नहीं? जैसे पृथक निर्वाचन प्रणाली वो प्रणाली है
जहां अनुसूचित जाति की सीट है वह अनुसूचित जाति का प्रत्याशी होता है और उसको वोट भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्य लोग भी करते हैं। तो बाबा साहब ये चाहते थे जहां अनुसूचित जाति की सीट है वह अनुसूचित जाति के लोग ही वोट करें, ना कि कोई और, क्योंकि कोई और करेगा तो वो किसको जिताएगा, जो गुलाम होगा, बंधुआ मजदूर होगा, और वो भी वैसे ही रहा है। अनुसूचित जाति की सीट होती है, अनुसूचित जाति का प्रत्याशी होता है, अनुसूचित जाति का बहुल्य क्षेत्र होता है, और उसके बाद किसको जिताया जाता है, गुलाम बंधुआ मजदूर को, जो समाज के सुख और दुख में साथ नहीं आता है। सही बात लग रही है, गलत लग रही है, आप इस बात का जवाब आपको देना होगा, सही है या गलत है। और डबल बोर्ड, दूसरी बोर्ड बाबा साहब चाहते थे जहां सामान्य सीट है, जैसे सामान्य पर व्यवस्था है वैसे कायम, सामान्य पर वैसी व्यवस्था कायम रहे। साथियों, जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होती, हमारे देश का हमारा कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, और ये हिजड़े भड़वे सांसद विधायक तो रोज बन रहे हैं, ये तो सदन में जाकर आपकी खिलाफत करते, आपकी हिमायत नहीं करते। सदन के बाहर संविधान की पट्टियां जलाई जाती हैं और सदन के अंदर ये बकचोदी और गपशप करते हैं। जब मेरे बाबा का संविधान चलता है और मेरे बाबा की खुशकी ली जाए तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, समय कम है, बाबा साहब का जितना बड़ा एहसान भारत के सब समाज के लोगों पर है, इतना बड़ा एहसान तो किसी का भी नहीं है। हमारे बाबा साहब ने देश को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना थक निर्वाचन की मांग की, अन्यथा वो कुछ और मांग भी कर सकते थे। जिस प्रकार से जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग की थी, उस प्रकार से बाबा साहब भी अलग लैंड की मांग कर सकते थे, लेकिन हमारे बाबा साहब ने देश को ना तोड़ने की बात की है, देश को जोड़ने की बात की है, और देश में एकता और भाईचारा अखंडता कायम करने की बात की है। उसी पे हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर मनुवादी और सामंतवादी लोग दिन प्रतिदिन हमारे भाइयों का कत्ल, बहनों की अस्मत टूटी जा रही है, और हमारे नेता आज भी हाथ में हाथ धरे रखे बैठे हैं। तो साथियों, आपको भोजन समाज बटालियन के अंदर तन मन धन के से सहयोग कर इसको आगे बढ़ाना है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, आप लोगों के लिए है, आपका अपना संगठन है। समझिए, आप ही अतुल खोड़ावाल हैं, आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही भोजन समाज बटालियन के मालिक हैं। साथियों, लास्ट में एक शेर में आपको सुनाता हूं, अकेले अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो समंदर बन जाएगा, अकेले हम धागा हैं, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर बन जाएगा। तो साथियों, हमको राजनीतिक स्तर पर हमने एक होकर देखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर चार बार ढैंडी की सरकार बनी है, उसके बाद भी हमारा शोषण उत्पीड़न नहीं रुका है। देश के अंदर दो बार राष्ट्रपति हमारे बन चुके हैं, एक बार उप प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री न बन चुका है। इतने पद होने के बाद, आईएएस पीसीएस अधिकारी होने के बाद भी हमारा शोषण उत्पीड़न जारी है, क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। क्योंकि बाबा साहब भी कह के गए थे, हम लोगों ने वाच भी किया और भ्रमण भी किया है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी गुलाम और बंधुआ मजदूर पैदा किए जा रहे हैं। हमको उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और बाबा साहब के मिशन पर आगे चलना होगा, उसको बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक जोरदार क्रांतिकारी नारा होना चाहिए,
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।